हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, ये केक देखते ही सेलिब्रेशन की याद आ रही है ना? जी हाँ गाइज, किसी भी स्पेशल ओकेजन या सेलिब्रेशन के लिए एकदम परफेक्ट, सुपर अमेजिंग और एक्सट्रीमली डिलीशियस रेड वेलवेट केक। और फ्रेंड्स, आज के इस केक के लिए हमने क्रीम चीज़ घर पे ही रेडी की है और इसे हमने बनाया है बिना अंडा, अवन, बिना कंडेंस मिल्क, बिना किसी फैंसी इंग्रेडिएंट के। और साथ ही रेड वेलवेट केक को परफेक्टली ब्राइट रेड कलर देने की और बेकरी से भी बेहतर इसका टेस्ट और लुक क्रिएट करने की हर एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारी, टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और जब भी किसी भी इवेंट पे आप बनाएंगे इसे, तो ये केक उस ओकेजन की रौनक कई गुना बढ़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो केक बेक करने के लिए एक पतीला मैंने गैस पे रख लिया है, आंच एकदम धीमी रखी है मैंने, और इस पे एक वायर स्टैंड डाल के इस पे ढक्कन लगा के इसे करीब 10 मिनट के लिए लो आंच पे प्री हीट कर लेंगे। केक बनाने के लिए 6 इंच का मैंने केक टिन लिया है, आप कोई भी और डब्बा वगैरह भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने एक को बेक लिया है और अब अपने केक टिन के साइज का एक को बेक कट करके केक टिन के बेस पे डाल देंगे, इससे हमें ग्रीसिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तैयार हो गया हमारा केक टिन, इसको रख देंगे साइड में। हमारा केक बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल यहाँ पे ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप और 2 बड़ा चम्मच एकदम पिसी हुई शक्कर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप दही, और ये एकदम फ्रेश दही है, घर का बना हुआ। इनकेस दही नहीं अवेलेबल है या फिर सर्दियों में ये दही जमने में परेशानी होती है, तो आप सेम अमाउंट में दूध लेके उसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर ऐड करें, 10 मिनट के लिए रख दें और उसके बाद उस कर्डल मिल्क को यूज़ करें दही की जगह पे। और दही और शक्कर को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में। तो शक्कर दही में अच्छे से घुल चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ये सनफ्लावर ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है, एक्चुअली आपको बिना टेस्ट या फ्लेवर वाला ऑयल लेना है कोई भी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 6 बड़ा चम्मच मिल्क। दूध और बाकी सारी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हैं, यानी कि ना ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्म, और इन सारी की सारी वेट इंग्रेडिएंट को हम एक सार होने तक मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अभी बोल में हम रख रहे हैं एक छन्नी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कोको पाउडर। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली फ्रेंड्स, हमें कोको पाउडर केवल 1 छोटा चम्मच ही डालना है, इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं डालना है, और नॉर्मल अनस्वीटेंड वन डालना है। डच प्रोसेस्ड या फिर एक्स्ट्रा डार्क वाला बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का रेड वेलवेट केक ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो कोको पाउडर की क्वांटिटी सही ना होने की वजह से ही होता है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच से 2 चुटकी ज़्यादा बेकिंग सोडा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ में बोल में छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रेसिपी में कोको पाउडर ऐड करने का फंडा बताती चलूँ। यहाँ पे कोको पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना होता है पिंच ऑफ फ्लेवर के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इस थोड़े से कोको पाउडर की वजह से जो एकदम लाइट ब्राउन, पाउडरी ब्राउन जैसा कलर आ जाता है बैटर का, इसमें जब हम रेड जेल फूड कलर ऐड करते हैं तो इससे ब्राइट रेड कलर बनता है। अदरवाइज रेड कलर ऐड करने पे पिंकिश के जैसा कलर आता है, जबकि ये पाउडरी ब्राउन इस पिंकिश कलर को डार्क रेड कलर बना देता है, और इसीलिए इसका नाम होता है रेड वेलवेट केक। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड जेल फूड कलर, ये सुपर रेड जेल फूड कलर है, और अब इसमें से 3 से 4 ड्रॉप रेड जेल फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ हमारे बैटर में, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना ब्राइट और बढ़िया सा रेड कलर आया है, लुक एट दिस फ्रेंड्स। तो हमारा बैटर है बिल्कुल तैयार, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में। केक टिन को टैप करेंगे ताकि बैटर के अगर कोई बड़े एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएँ। तो हमारा पतीला भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो इसका ढक्कन हटा के हम केक टिन को ट्रांसफ़र कर देंगे पतीले के अंदर। और अब वापस ढक्कन लगा के गैस की आंच बिल्कुल धीमी करके हम केक को बेक होने देंगे लो आंच पे करीब 40-45 मिनट्स के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता और टूथपिक प्रिक करने पर इससे बिल्कुल क्लीन टूथपिक नहीं निकलती है। कन्वेक्शन या ओवन में बेक करने के लिए 160 डिग्री पर प्री हीट करके आप केक को 30-35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 45 मिनट्स हुए हैं और अब हम देखेंगे अपना केक, एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना बढ़िया फूल गया है केक, और एकदम ऊपर तक आ गया फूल के, बहुत स्पॉन्जी भी दिख रहा है। तो अभी मैंने एक टूथपिक ले ली है और इसको हमारे केक के सेंटर में प्रिक करके चेक करेंगे, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। तो गैस हम ऑफ कर देंगे और अपने रेड वेलवेट केक स्पॉन्ज के टिन को इस बड़े वाले पतीले से बाहर निकाल के इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे सबसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, केक हमारा अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और अभी हम एक नाइफ से इसके साइड्स को लूज़ कर लेंगे और इसे किसी प्लेट या केक बोर्ड पे निकाल लेंगे। लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बना है हमारा केक और कितना स्पॉन्जी भी है ये देखिए। तो अब सबसे पहले हम अपने रेड वेलवेट केक की टॉप लेयर को अलग कर लेंगे और लेयर्स को कट करने के लिए मैं नाइफ और धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम नाइफ से निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम धागे से इसे कट कर लेंगे। तो गाइस, टॉप लेयर को मैं अलग रख रही हूँ और इसके हम क्रम्स बनाएंगे बाद में। और अभी जो हमारे पास केक बचा हुआ है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट रेड कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके रेड वेलवेट केक स्पॉन्ज का कलर भी इतना ही परफेक्ट आया जैसा कि अभी हमारे केक का आया है। और ये देखिए कितनी परफेक्ट लेयर्स हैं, परफेक्ट रेड कलर एंड परफेक्टली जालीदार केक। तो फ्रेंड्स, अब हम क्रीम चीज़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया है गैस पे और अब हम लेंगे आधा लीटर फुल क्रीम दूध। और फ्रेंड्स, ये दूध फुल क्रीम ही होना चाहिए, तभी इसमें अच्छा क्रीम चीज़ निकलेगा। और अब इस दूध में हम उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है ये देखिए। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे विनेगर, आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। और अब एक एक बड़ा चम्मच करके ये विनेगर हम ऐड करते जाएंगे मिल्क पे और मिक्स करते जाएंगे जब तक ये फट नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने केवल तीन बड़ा चम्मच विनेगर यूज़ किया है, हो सकता है थोड़ा सा कम या ज़्यादा विनेगर भी लग जाए दूध को पनीर बनाने में। और ये देखिए, ये दूध फट चुका है अभी तक। बोल में अब हम रखेंगे एक छन्नी और अब इसमें मैं डाल ले रही हूँ एक मसलिन क्लोथ, कोई भी कॉटन का पतला सा कपड़ा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और हमारा मिल्क इसमें डाल करके हम छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मिल्क का हमारे चीज़ अलग हो चुका है। स्टेज पे अब हम लेंगे वाटर और वाटर से वॉश कर देंगे हमारे इस क्रीम चीज़ को। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें से अगर कोई विनेगर का फ्लेवर वगैरह है ना तो वो भी निकल जाए। और फ्रेंड्स, अब इसे हम हल्का ठंडा हो जाने देंगे, मतलब गुनगुना तक बचने देंगे इसको। तो ये चीज़ ठंडा हो गया है, मतलब एकदम हल्का गुनगुना बचा है ये। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्राइंडिंग जार और ये सारा का सारा चीज़ हमें ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब ये चीज़ वाले जार में हम डालेंगे एक चुटकी नमक और अब इस चीज़ को हमें ब्लेंड कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल महीन और स्मूथ पेस्ट बन जाने तक। इनकेस आपको लगता है कि इसका पेस्ट बनने में दिक्कत हो रही है तो इसको पीसते टाइम आप इसमें एक एक चम्मच करके मिल्क ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसको, बट इसको एकदम स्मूथ हमें बना लेना है। तो इस चीज़ को ग्राइंड करते टाइम मैंने दो चम्मच मिल्क ऐड किया था, मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा था ये। और ये देखिए एकदम स्मूथ और गाढ़ा सा कितना बढ़िया सा क्रीम चीज़ बन के रेडी हुआ है। और हमें इसको इतना ही स्मूथ करना है, बिल्कुल पेस्ट के जैसा, जैसे क्रीम होती है ना बिल्कुल वैसा। अब हम ले लेंगे एक सेपरेट बोल और हमारा ये क्रीम चीज़ इस बोल में निकाल के रख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे तीन बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर और इस शक्कर को हम क्रीम चीज़ में मिक्स कर लेंगे बिल्कुल स्मूथ हो जाने तक। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे शक्कर मिक्स होती जा रही है इसमें, ये लिक्विड ही जैसा होता जा रहा है। तो गाइस, ये तैयार हो गया हमारा क्रीम चीज़। तो अभी हम इसको ले जा के रख देंगे फ्रिज में इसको स्टिफ हो जाने के लिए। तो अब हम करेंगे हमारे केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी। तो इसके लिए मैंने एक आइस वाटर वाले बोल में एकदम चिल्ड ठंडा किया हुआ बोल रख लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम और इलेक्ट्रिक बीटर से अब मैं क्रीम को बीट कर रही हूँ तब तक के लिए जब तक इसमें स्टिफ पीक्स नहीं फॉर्म होने शुरू हो जाते। और जनरली व्हिपिंग क्रीम में शक्कर होती है इसलिए मैं शक्कर नहीं ऐड कर रही हूँ। इन केस आपकी वाली व्हिपिंग क्रीम में शक्कर नहीं है तो आप इसमें एक चौथाई कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर दें। और ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए हमारी क्रीम में। और अभी हमने अपना फ्रिज में रखा हुआ क्रीम चीज़ निकाल लिया और ये देखिए गाढ़ा हो गया है ये अभी तक। तो अभी अपने इस क्रीम चीज़ को हम ऐड कर देंगे व्हिप्ड क्रीम में सारा का सारा। और अब इस क्रीम चीज़ को भी हम बढ़िया तरीके से व्हिप कर लेंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम में। तो फ्रेंड्स, रेड वेलवेट केक की क्लासिक रेसिपी के हिसाब से इसमें क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग एसेंशियल होती है। वैसे आप चाहें तो बिना क्रीम चीज़ के भी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, क्रीम चीज़ मिक्स करने के बाद भी बढ़िया से स्टिफ पीक्स फॉर्म होने शुरू हो गए क्रीम में, मतलब बिल्कुल परफेक्टली रेडी है क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग हमारे रेड वेलवेट केक के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए एक केक बोर्ड पे मैं थोड़ी सी क्रीम लगा ले रही हूँ, आप प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। इस पे मैं रख रही हूँ हमारे केक की पहली लेयर और साथ ही मैंने यहाँ पे शुगर सिरप लिया है। दो बड़ा चम्मच शक्कर को एक चौथाई कप पानी में घोल लिया मैंने, वही शुगर सिरप हम यूज़ कर रहे हैं हमारे केक की लेयर्स को मॉइस्ट करने के लिए। अब इस पे हम फैलाएंगे क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग की बढ़िया सी लेयर। इस पे हम रखेंगे हमारे केक की दूसरी लेयर, इसको भी शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। इस पे भी क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग की लेयर फैलाएंगे। और अब इस पे हम रखेंगे हमारे केक की थर्ड और फाइनल लेयर, इसको भी शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करने के बाद केक के टॉप पे और केक के साइड्स पे हम क्रीम चीज़ को अच्छे से फैला लेंगे और जितनी पॉसिबल हो उतनी स्मूथनिंग भी कर लेंगे।
और फ्रेंड्स मैंने अभी क्लीन किया हुआ ये कार्ड लिया है और इससे हम अपने केक के किनारों को स्मूथ कर लेंगे और अब केक टॉप के एजेस को स्मूथ करते हुए हम केक टॉप को भी स्मूथ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे केक की नियर अबाउट स्मूथिंग हो चुकी है और इससे ज़्यादा स्मूथिंग की ज़रूरत है नहीं हमें, तो इसलिए अभी मैं केक बोर्ड को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद हम अपने केक को जाके रख देंगे फ्रिज में करीब 15 से 20 मिनट के लिए सेट हो जाने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपने नोट किया होगा ये देखिए मैंने नई टर्न टेबल आज यूज़ की है क्योंकि मैं इसे नया नया खरीद के लाई हूँ, काफ़ी अच्छी है ये देखिए टर्न बहुत अच्छा है इसका। और जो ये वीडियो में मैं शॉपिंग कर रही हूँ मैं कोशिश करूँगी ये शॉपिंग वाला वीडियो भी जल्दी से अपलोड करूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी नई नई और ट्रेंडिंग बेकिंग से रिलेटेड चीज़ों को परचेज किया है, सो आई ट्राई एंड ब्रिंग इट सून। और फ्रेंड्स ये जो हमने केक की लेयर निकाल के रखी थी स्टार्टिंग में इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे और ये रेड वेलवेट की क्रम्स बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स बन गए हमारे रेड वेलवेट क्रम्स। तो फ्रेंड्स अब मैंने एक प्लेन पेपर ले लिया है जो हमारे केक टिन में जिसमें हमने केक बनाया था उसके ऑलमोस्ट साइज़ का है, उसको फोल्ड करके और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम इससे हार्ट शेप एक कट कर लेंगे इतना बड़ा जो कि हमारे केक टिन में अंदर आ जाए। और ये देखिए गाइस ये कट गया हार्ट, तो केक मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और इसके सेंटर पे हम रखेंगे पेपर का हार्ट वाला कटआउट और एक टूथपिक या चाकू की हेल्प से हार्ट के किनारे किनारे निशान लगा लेंगे, पेपर को निकाल लेंगे। ये देखिए तो फ्रेंड्स हैंड्स मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन किए हुए हैं ऑलरेडी और अब अपने हाथों की हेल्प से हम ये हार्ट के अंदर रेड वेलवेट के जो क्रम्स बना के हमने रखे हैं ना वो फिल कर देंगे। और फ्रेंड्स एक टूथपिक या नाइफ की हेल्प से हम हार्ट शेप के अंदर रेड वेलवेट के क्रम्स फैला लेंगे। और ये देखिए ये बन गया रेड हार्ट। और अब इस रेड हार्ट को बॉर्डर देने के लिए इस क्लोज स्टार शेप वाली नोजल कोन से हम फ्लावर्स जैसे बना लेंगे और हार्ट के बाहर भी हम रेड क्रम्स फिल कर लेंगे और टूथपिक या चाकू की हेल्प से फैला लेंगे। वैसे डेकोरेशन तो हमेशा ऑप्शनल होती है फ्रेंड्स, इसलिए आप जैसी चाहें वैसी डेकोरेशन करें। और फ्रेंड्स अब मैंने ले लिया यहाँ पे लीफ नोजल, तो उसी लीफ नोजल से हम हमारे केक के किनारे किनारे बॉर्डर के जैसा बना लेंगे। वैसे इस केक की डेकोरेशन के लिए जो भी नोजल्स हमने यूज की हैं उनको भी मैंने घर पे बनाना बताया है, उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड फ्रेंड्स जो हमारे केक के साइज बचे हैं ना उन पे भी मैं बचे हुए रेड वेलवेट क्रम्स लगा ले रही हूँ, मैं कार्ड की हेल्प से लगा रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से भी लगा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना भी एडिशनल क्रम आपको लग रहा है वो सारा का सारा हम या तो चिपका देंगे अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज इसे सेपरेट कर लेंगे यानी कि क्लीन कर लेंगे केक बोर्ड से। और फ्रेंड्स अभी बॉटम को थोड़ा सा डेफिनेशन देने के लिए जिस कोन से हमने हार्ट का आउटलाइन बनाया था ना उसी से हम अपने केक की भी बॉर्डर बना लेंगे। और यहाँ पे गाइस क्योंकि मेरे पास क्रीम बची हुई है और थोड़ा सा डेकोरेशन को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसलिए मैं डबल बॉर्डर बना रही हूँ। और अब हार्ट के बॉर्डर और केक के बॉटम वाले बॉर्डर को मैं गोल्डन शुगर बॉल से और हार्ट के बाहर वाले एरिया को सिल्वर शुगर बॉल से डेकोरेट कर रही हूँ। और ये हार्ट में मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी का टैग रखने के लिए। और हमारा सुपर स्पेशल केक सुपर स्पेशल ओकेजन के लिए बिल्कुल तैयार है गाइज, बहुत ही बढ़िया केक लग रहा है, तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना किसी भी खास ओकेजन पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।